ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस डिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंसडे हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं। काफी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी। फ्रेंड्स, आ गई आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंसडे। टू बाय योर पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstero.com। फ्रेंड्स, ऑल्सो आपने 2022 की रीडिंग्स बुक करा ली क्या? अगर नहीं कराई तो वेबसाइट से करा लो, और अगर आपको यहाँ देखनी है तो ऑलरेडी हो गई है। पिक अ कार्ड लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है, और उसको रीडिंग्स भी हो गई हैं हिंदी उर्दू में भी, और इंग्लिश में भी हो गई हैं सारी, और लव की पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर 2022 भी हो गई है। सारे लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में हैं, आप जल्दी जल्दी देख लो। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप अपनी डिटेल में बुक भी करा सकते हो चार्म्स के साथ, और बहुत डिटेल में होती है मंथ बाय मंथ या जैसे भी आप चाहो। सो अभी तो मैं फुल्ली बुक्ड हूँ फ्रेंड्स, बट स्टिल आप मुझे मैसेज कर लो ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी रीडिंग करके दे दूँगी। ऑल्सो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो प्लीज़ करा लो। जिन्होंने पहले कराई थी उन्हें पता है हाउ हेल्पफुल दे हैव बीन फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग्स बहुत काम आती हैं। ऑल्सो लेट्स सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज फ्रेंड्स। सो आर यू रेडी? All right, let's see the theme of the next 15 days for our viewers. Theme of the next 15 days for our viewers. Okay, three of wands and okay, five of cups. So definitely next 15 days, आपको थोड़ा सा past में nostalgia हो सकता है, आप किसी को miss कर सकते हो past से। ऑल्सो आपको ऐसा लग सकता है कि जो पास्ट में लाइफ थी ना, यू नो, जो ये सब हुआ वर्ल्ड में उससे पहले वाली जो लाइफ थी, वुड बी लाइक हाय कितने प्यारे दिन थे कोई यू नो कोई लौटा दे वो दिन वापस। सो आई फील यू मे बी अ लिटिल नॉस्टैल्जिक, या इस साल को लेके भी थोड़े से आप खट्टी मीठी यादें आपको लग सकती हैं कि ये साल जो था एक बिटर स्वीट था थोड़ा सा, ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 15 डेज आपको। थ्री ऑफ वॉन्स, बट एट द सेम टाइम आप बहुत एक्साइटेड रहोगे अपने फ्यूचर को लेके, एंड आप अपने यू नो लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, आप काफ़ी पैशनेट फील करोगे फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर गोल्स, फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर एम्बिशन भी काफ़ी आपका अच्छा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज। आई ऑल्सो फील लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह या ट्रैवल को लेके आप एक्साइटेड रहोगे, यू नो। नाइन ऑफ कप्स, या आई डू सी अ सेलिब्रेशन कमिंग योर वे, सो हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या आने वाला है नेक्स्ट ईयर, सो यू आर वेरी एक्साइटेड। आई ऑल्सो सी सम सॉर्ट ऑफ अ पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ अ गुड न्यूज़ हैपनिंग फॉर यू, जिसको लेके भी आप काफ़ी एक्साइटेड रहोगे। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी मनी, योर मनी आ रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में, या कुछ गिफ्ट हो सकता है, या यू नो कोई जैसे आपने कुछ लिया परचेज करा उसके साथ आपको कोई गिफ्ट मिल गया, या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, या आप सेल में गए थे शॉपिंग करने एंड यू फाइंड योर साइजेस एंड यू फाइंड एवरीथिंग यू लाइक एंड यू आर लाइक सुपर एक्साइटेड। आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 15 डेज जो है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, काफ़ी सेल्फ लव फील करोगे, एंड यू विल फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ। सो वेरी नाइस एनर्जीज। बस हाँ, थोड़ा सा पास्ट को लेकर आप, आई डू फील यू आर मिसिंग समबडी। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। फोर ऑफ कप्स, या आप लोग काफ़ी सारे लोग सोच तो रहे हो कि लाइफ से कुछ चीज़ें, यू नो काफ़ी कुछ है लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग आउट हैं, जैसे प्यार है या मोहब्बत या कुछ एक्स्ट्रा पैसा वगैरह, अभी भी वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए हैं आपके। सो यू फील अ लिटिल लाइक अ लिटिल लेफ्ट आउट यू नो राइट नाउ, कि यू नो ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ चाहिए जो अभी तक मिला नहीं है। सो पेज ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज पर्सन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप लोगों के लिए। आई डू फील के यस, आपको जो चाहिए आप उस पर वर्क करते रहो फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू अचीव दैट। जस्टिस, यस एब्सोल्यूटली जस्टिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी सिचुएशन में ऐसा लगता है आपने हार्ड वर्क किया लेकिन उसका जस्टिस नहीं मिला, तो नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, या जो भी मिसिंग आउट है उसमें थोड़ी सी यू नो आपको चीज़ें मिलने लग जाएंगी, फेयरनेस रहेगी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, जो बैलेंस अभी तक नहीं है आपकी लाइफ में। आई ऑल्सो फील के अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी उसमें आपके फेवर में रहेंगे। ऑल्सो कोई एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एरीज, लियो, सैज पर्सन भी।
आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 15 डेज, यू नो, आप उन चीज़ों पे, यू नो, अगर अभी तक आप थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे थे या यू नो यू आर फीलिंग के पता नहीं, यू नो, थोड़ा सा मूड में आपके स्विंग्स आ रहे थे, मूड चेंज हो रहा था बार बार, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, तो नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी अच्छा फील करोगे. इट विल नॉट बी के ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं या कुछ. ऑल्सो आप लोग किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, यू नो, सम ऑफ यू आर वेटिंग फॉर कर्मा. आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है आपके, अरे इस सिचुएशन में हमें जस्टिस नहीं मिला, हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हमें प्यार नहीं मिला, या हमें धोखा मिला, या हमें पैसा नहीं मिला, हमें जॉब नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, जस्टिस वॉज डिनाइड. लेकिन नेक्स्ट 15 डेज जो है आपके हक में, आपके फेवर में चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, आप काफ़ी लकी भी रहने वाले हो. एंड 6 of Wands, यस, सक्सेस विल बी योर्स फ्रेंड्स. ऑल्सो मुझे ट्रैवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, एज इफ़ यू गाइज विल बी ट्रैवलिंग. ट्रैवल है, आप लोग कहीं जाओगे या शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हो, या हो सकता है कोई आपसे मिलने आ रहा हो, वो भी है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है. 7 of Pentacles, यस, आपका पेशेंस जो है वो पे ऑफ करेगा फ्रेंड्स. आपने बहुत लंबे समय से किसी वेट कर रहे हो, आप न्यूज़ का, मैसेज का, जॉब का, या कोई एग्ज़ाम रिजल्ट्स का, उसमें आपको फेवर मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगा. हो सकता है आप कोई जर्नी पे जाओ जिससे भी आपका फ्यूचर सिक्योर हो, पैसे मिलेंगे, या यू नो कोई जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है. द हैंग्ड मैन, यस, यू आर रियली मूविंग आउट ऑफ दिस हैंग्ड मैन सिचुएशन. आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ऐसे रुकी हुई थी, पॉज पे थी, उनसे आप आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट 15 डेज में, या बढ़ने शुरू हो जाओगे. 10 of Pentacles, फैमिली विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स नेक्स्ट 15 डेज. आई डू सी कि आप लोग फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताओगे, एंड हो सकता है आप लोग किसी फैमिली वेडिंग पे जा रहे हो, या एनिवर्सरीज पे, या कोई गेट टुगेदर पे. ऑल्सो फैमिली इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी है, पैसा है फैमिली का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ऐसा भी हो सकता है आप किसी, यू नो, समबडी इज़ मिसिंग यू आपको लव में नेक्स्ट 15 डेज. वो पर्सन जो आपको छोड़ के गए हैं, या जिनके लाइफ में फैमिली, यू नो, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, या वो मैरिड हैं किसी और से, वो पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज. द वर्ल्ड, येस, आई डू फील के लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है ये कनेक्शन. आई ऑल्सो फील के नेक्स्ट 15 डेज जो है आप अपने, यू नो, बाहर पढ़ाई करना या कहीं और जाना चाहोगे, लाइक यू नो यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, और उस चीज़ पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज, कि आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो. जहाँ पर आप हो उससे आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ, एंड आई डू सी कि आपको सक्सेस मिलेगा. आई ऑल्सो फील के कोई पर्सन है जो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में. नेक्स्ट 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि ये पर्सन, यू नो, थर्ड पार्टी, या यू नो फैमिली की वजह से, डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई फील दे वॉन्ट अ टॉक, आपसे बात करना चाहते हैं. स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग. आई फील ये पर्सन आपको बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा. एक आप दोनों में एक अजीब सा इंटेंस साइकिक कनेक्शन बन चुका है, टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सोचते हो, बट एक्चुअल में कोई बात नहीं हो पा रही है. तो वो चीज़ में कोई इस रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज आएगा. द फूल, या आई डू फील हो सकता है या तो आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट 15 डेज, या कोई पर्सन चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई चेंज आए ताकि वो आपकी तरफ आ सकें. Someone is trying to change and come closer to you. What is this death about? King of Cups. कोई person है जो चाहते हैं आपसे अपने emotions share करना. Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं ये person. I do feel के yes. या तो कोई नए person भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ लोग आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक लोग या जो भी स्टक रिलेशनशिप्स थी वहाँ से आगे बढ़ोगे और एक न्यू प्रपोजल मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज. या आई मेनली फील के जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं आपकी, उसके अंदर प्रोग्रेस आएगी. ये पर्सन अपना दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं. क्वीन ऑफ रॉड्स, बिकॉज वो आपको एक क्वीन या किंग की तरह देखते हैं. दे सी, यू नो, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन. आप उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो. आई कीप हियरिंग द लाइन, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम गले लगा ले. सो इट्स लाइक यू, तो इस पर्सन का चैन वैन सब उजड़ गया है, क्योंकि आपको वो देखते रहते हैं. दे आर लाइक वाओ वाओ वाओ, आप बिल्कुल वाओ हो. सो दे वांट यू फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे और अपने दिल की बात कहेंगे. येस, द चैरियट, आई डू सी दे वॉन्ट
टू मूव मूवमेंट इन दिस रिलेशनशिप. आई डू सी आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है, या तो पुराने पर्सन या कोई नए पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ प्यार मोहब्बत इजहार इश्क लेके. फोर ऑफ वॉन्स, येस आई डू सी के मैरिज के बारे में बातें होंगी. मैरिज है, कमिटमेंट है, टॉक्स हैं. हो सकता है आप किसी की मैरिज भी अटेंड करो या किसी की मैरिज एनिवर्सरी. एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स भी काफ़ी हाईलाइटेड लग रही है नेक्स्ट 15 डेज. व्हाट एल्स विल हैपन? सेरेंडिपिटी, जी हाँ, जो आपको चाहिए वो आप तक आ रहा है. सो गेट रेडी फ्रेंड्स, नंबर 18. सो आपका लक भी काफ़ी अच्छा रहेगा. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. टाइम टू गो नंबर 45. या आई डू फील फ्रेंड्स आप फ्यूचर के लिए रेडी हो, आप नई चीज़ों के लिए रेडी हो. सो अगर आप डाउट कर रहे हो कि इज़ इट टाइम टू मूव ऑन, यस इट इज़. यू डोंट नीड टू डाउट, आप सही हो. अ लेग अप नंबर 34. येस फ्रेंड्स, आई डू फील कि आप ना टफ लव पे आ गए हो, कि यू नो आप बहुत डिमांड में हो. तो आपने अपने, आई डोंट नो हाउ टू से, यू नो दैट यू आर वैल्यूड, यू नो आपने अपनी सेल्फ लव या जो भी आपको पता है अपनी इम्पॉर्टेंस, और अब आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो या पुराने लोग भी अब ना आपसे सही तरीके से बिहेव करना चाहते हैं. आई डू सी एन अपॉलोजी, कोई माफ़ी या कोई पछतावा किसी को है तो वो आपसे बताएंगे, क्योंकि यू आर ग्लोइंग फ्रेंड्स. ओके, डीप नोइंग, आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ ये चीज़ होगा. और आप देखो अगेन यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी आई है. देखो 43 एंड 34, 4334, बोथ द नंबर्स आर हियर. सो या 444333 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज. एंड नेवर एंडिंग स्टोरी. आई डू फील के फ्रेंड्स कोई पर्सन है जो स्टक हैं या कोई रिलेशनशिप काफ़ी स्टक है, लेकिन उसमें चेंजेस आ रहे हैं. ब्रीद, या यू हैव टू स्टे रिलैक्स, डोंट वरी सो मच. लेट्स सी और क्या होगा आपके लिए. हाउ आर व्यूअर्स पर्सन विल फील इन द नेक्स्ट 15 डेज, देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन है. सो लेट्स सी हाउ विल दिस पर्सन फील इन द नेक्स्ट 15 डेज. रिलेशनशिप्स, ओ माई गॉड. सो आपके पर्सन का फोकस तो रिलेशनशिप पे है आपके साथ, और उनकी जो यू नो फैमिली के साथ. आई डू फील आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टीज़ काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं, उसमें रिलीफ मिलेगा आपको फ्रेंड्स. आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड. येस आई डू फील आपके लवर या आपके जो ट्विन फ्लेम या एक्स हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो आप पे फोकस्ड काफ़ी रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज. लेट्स सी आप कैसा फील करोगे. एबंडेंस फील करोगे फ्रेंड्स, पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी फील करोगे. एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस. आई डू फील हो सकता है यू नो काफ़ी लोग आपको देख के थोड़ा सा जेलसी महसूस कर सकते हैं, या थोड़ा सा रश्क के यू नो रश्क महसूस कर सकते हैं, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू आर हैप्पी विद थिंग्स. फॉरगिवनेस, इस आई फील आपको कोई है, आप कुछ है बातें जो आपको फॉरगिव करनी पड़ सकती हैं, या आपको कोई यू नो समबडी में आस्क अपॉलोजी आपसे कि हमें माफ़ कर दो. सक्सेस, येस फ्रेंड्स आई डू सी सक्सेस इज कमिंग योर वे. सो गेट एक्साइटेड, सक्सेस आ रहा है आपके लिए. ओह माय गॉड, लेट्स सी व्हाट एल्स. सॉरी फ्रेंड्स फॉर द कैमरा बम्प. व्हाट एल्स विल हैपन? ओह विक्ट्री नंबर 28, स्पिरिचुअल विक्ट्री. सो फ्रेंड्स आई डू सी नेक्स्ट 15 डेज में आपको या तो कोई स्पिरिचुअल विक्ट्री या कोई करियर या फाइनेंसेस में विक्ट्री या लव लाइफ में विक्ट्री मिलने वाली है. सो कंग्रेचुलेशंस एंड आई फील ये बहुत ज़रूरी है. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हू गूज बम्स. इसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी फ्रेंड्स. दोनों का सेम जंप आउट हुए हैं, मैंने आपके सामने ही शफल करे थे. अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. ओ माय गॉड, नंबर 45, नंबर 44. सो यस आई डू फील काफ़ी अच्छे चांसेस हैं नेक्स्ट 15 डेज में कि आपको अपना प्यार मिल सकता है, या आपको अपने ट्विन फ्लेम से वापस मिलने का मौका मिलेगा, या उनसे पहली बार मिलने का मौका मिलेगा. आई ऑल्सो फील जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है, और आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो. सो कंग्रेचुलेशंस, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू विन फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू विन, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू. यू नो कितनी अच्छी चीज़ है ये कि आपको प्यार में या अपनी लाइफ में यू नो विक्ट्री मिलेगी और मिलने वाली है, आप बहुत करीब हो. सो कंग्रेचुलेशंस,
आई कॉन्ट इवन बिलीव इट कि ये सारे कार्ड ऐसे आए, यू नो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री. सो कोई एडवाइस है क्या आपके लिए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज. एनी एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स? फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. सो आई डू फील के थोड़ा सा क्वाइट टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा. यू नो, मेडिटेशन है या थोड़ा सा, यू नो, अपने साथ टाइम बिताना, अपना फेवरेट म्यूजिक, मूवी देखना, ये सब नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए अच्छा रहेगा. इनफैक्ट मेडिटेशन है, योगा है, वॉक करना है, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए. फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी टू फॉर न्यू होराइजन्स. यस, आपके लिए न्यू प्लेसेस, न्यू लोग, नए एडवेंचर्स आ रहे हैं, नई चीज़ें लाइफ में होने वाली है, नए प्यार और मोहब्बत भी आ रही है. सो गेट रेडी. ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आप कोई भी चैलेंज ओवरकम करने के लिए तैयार हो. आपको अपनी डाउट नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे आप बिल्कुल रेडी हो. एंड ट्रस्ट, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान. यस फ्रेंड्स, देयर इज़, यू नो, हो सकता है आपको अपनी सिचुएशन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स लग रहे हों कि अरे क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, बट आपकी लाइफ में एक डिवाइन प्लान है और आप जल्दी उसको समझ पाओगे. जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो जल्दी ओवर हो जाएंगे. वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू. सो आई डू फील के आपको पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सो दैट आप या तो वापस से उन्हें अट्रैक्ट कर सको या कोई नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको. सो बी इन लव फ्रेंड्स, बी इन लव, बहुत ज़रूरी है ये. एंड अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.